कोर्ट ने एक अहम फैसले में मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी हटा दी है। केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल के उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि पूजा करने का अधिकार भगवान के सभी भक्तों को है, लिंग के आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी धर्म से राष्ट्र धर्म बड़ा है। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में सूबे के सीएम ने पूर्व के पीठाधीश्वरों ने यह साफ किया, उनके संदेशों ने यह साफ किया कि जिक इस बात का भी उन्होंने किया कि अगर व्यक्ति को विकास चाहिए तो राष्ट्र का विकास उनकी अनिवार्य शर्त है। इसलिए भारत और भारत की व्यवस्था देश के संविधान से चलेगी, ना कि किसी फतवे से। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई से भी मना कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर जमकर हमला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने राहुल पर आरोप लगाया कि राहुल शहरी नक्सलियों का समर्थन करते हैं और वो निर्लज्ज है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार की आयुष्मान भारत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस योजना में आवंटित धनराशि पर सवाल से सरकार से जवाब मांगा है। राहुल ने आरोप लगाया कि राफेल घोटाले में अनिल अंबानी को 1,30,000 करोड़ रुपए दे दिए गए, आयुष्मान भारत के लिए सिर्फ 2,000 करोड़ का झुंझुना थमाया गया। उन्होंने कहा कि वाह मोदी जी वाह, समाचार ही आपका प्रचार है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सैनिकों की वीरता और बलिदान पर सियासत करने का आरोप लगाया। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जवानों की वीरता का श्रेय लेते हैं, लेकिन जब उनके हितों की बात सामने आती है तो वो उनके साथ विश्वासघात करते हैं। बिहार के मुंगेर जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को AK-47 राइफलों का जखीरा मिला है। बहरत और तौफीर गांव के बीच हुए बहियार के एक कुएं से पुलिस को 12 AK-47 बरामद हुई। हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए तौफीर ने पुलिस को पूछताछ के दौरान ये जानकारी दी थी। इसके बाद SP बाबूराम की अगुवाई में ये छापेमारी हुई और इसको बिहार पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। यूपी पुलिस को संस्कारी और शाकाहारी पुलिस वालों की तलाश है। अगले साल इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले में तैनात किए जाने के लिए खास तौर पर ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है और इसके लिए पुलिस कर्मियों के पास अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, जिसे उनके वरिष्ठ अधिकारी जारी करेंगे। एशिया कप 2018 के फाइनल में बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज लिटन दास ने भारत के खिलाफ शतक लगाया। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज का वनडे इंटरनेशनल में पहला शतक है। उन्होंने 87 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। हालांकि उनका विकेट गिरने के बाद विकेटों की झड़ी लग गई और बांग्लादेश 222 रन पर ही सिमट गई। अब भारत को जीत के लिए 223 रनों का लक्ष्य मिला है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है। भूकंप इतना तेज था कि इमारतें तक हिल गईं। बड़े पैमाने पर आए भूकंप के बाद इंडोनेशिया आपदा एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो समुद्र के आसपास के इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दें। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की और पहुंचाने की कोशिशें तेज हो गई। माइक्रोनेशिया के एक छोटे द्वीप में पायलट की गलती से एक विमान समुद्र में क्रैश हो गया। एयर न्यू गिनी का बोइंग 737 लैंडिंग के दौरान रनवे से भटक गया, जिसके बाद पायलट ने अनियंत्रित विमान को समुद्र में क्रैश कर दिया। फ्लाइट में 47 लोग सवार थे, इसमें 35 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। विमान गिरने के बाद सभी यात्री तैरकर विमान से दूर चले गए। उन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोग अपनी नावें लेकर आ गए।
जय जय।